भिलवाड़ा में पहली बार आएंगे भोजपुरी फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री। अवसर होगा पूर्वांचल के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन छठ महापर्व का। आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में दिखेंगे उनकी झलक और प्रस्तुतियां। पूर्वांचल जन चेतना सेवा समिति और विभिन्न घाटों की छठ सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में उनके द्वारा गत 10 वर्षों से मानसरोवर झील और लेबर कॉलोनी क्रमानुसार में सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। समिति के संस्थापक अध्यक्ष NLJ भिलवाड़ा ग्रुप के OSD रजनीश वर्मा ने जानकारी दी कि समारोह से वृंदावन से आए शर्मा इवेंट के कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक झांकियों की प्रस्तुति होंगी, जिनमें उज्जैन की भस्मा आरती, काना संग, फूलों की होली, राम दरबार, हनुमान जी की लीलाओं व झांकियों से उनका चित्रण किया जाएगा। पूर्वांचल के सबसे बड़े पर्व छठ महापर्व पर मानसरोवर झील के प्रांगण में आज शाम 7 बजे आयोजित होगा। RSWM ग्रुप के बिजनेस हेड योगेश दत्त तिवारी ने भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में भोजपुरी कलाकारों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का भी आयोजन होगा। इस बीच भोजपुरी एक्टर एवं प्रोड्यूसर और पूर्व विधायक संजय यादव, भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस अनारा गुप्ता, भोजपुरी फिल्म एक्टर गुंजन पंत, भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस संजुक्ता राय यहाँ पर हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहेंगे। भिलवाड़ा में बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों का मौजूदगी इस पर्व को मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ मनाने का चलन गत कई वर्षों से जारी है। इसी क्रम में पूर्वांचल की आस्था का महापर्व छठ में घाटों की सफाई, घाटों पर विभिन्न कार्य जैसे टेंट, लाइट, साउंड तथा सुरक्षा, सभी कार्यों को संस्था द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। आयोजन की जानकारी देते हुए मौजूद थे रजनीश वर्मा, संस्थापक अध्यक्ष पूर्वांचल जन चेतना समिति, डॉक्टर अशोक सिंह, अध्यक्ष पूर्वांचल जन चेतना समिति, अरुण राय, अध्यक्ष पूर्वांचल जन चेतना समिति एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। धन्यवाद प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपको आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि आप, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं होता है जिस समय उस शहर के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसको आप कैप्चर में कर रहे हो, तो आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा रजनीश जी को कि जिन्होंने हम लोगों को इस मौके को देखने का अवसर दिया, जिस अवसर पर माननीय श्री संजय जी जो एक बहुत बहुप्रतिष्ठित कलाकार हैं बिहार से और लोगों की सेवा कर रहे हैं विधायक के रूप में, उनका सहर्ष स्वागत है। माननीय संजय जी, मैं गुंजन पंत जी का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने 150 से ज़्यादा मूवीज़ में, भोजपुरी मूवी में काम करके सम्मान दिया भोजपुरी भाषा को। मैं संयुक्ता जी का भी स्वागत करता हूं भीलवाड़ा शहर में, और ये सब एकत्रित हुए हैं आज के छठ पर्व को सफल करने के लिए, अपनी कला से बिहार के समुदाय को और जन समुदाय को, यहाँ के भी जन समुदाय को अपनी कला से प्रसन्नता देने के लिए। मैं इन सबका इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और LNG, जो आपने LNG ग्रुप की बात की, तो LNG ग्रुप चूंकि वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है और आज से नहीं जमाने से कला को प्रोत्साहन देता आया है, तो आप स्पीक मैके का भी देख ले प्रोग्राम, जो कि क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल आर्ट्स के ऊपर होता है, उसको भी खूब प्रोत्साहन देते हैं। कोई भी जन सेवा का कार्य हो उसमें भी प्रोत्साहन देते हैं। और जो अपने हाथों से काफ़ी कुछ रजनीश जी जिसको दिशा दे रहे हैं, माननीय श्री रिजू जी झुंझुनवाला के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम जवाहर अपना जल योजना और जवाहर स्वाभिमान भोज, ये सब जन सेवा के कार्य हैं। और ऐसे ही अनेकानेक कार्यों से जुड़े रहने के लिए, चाहे वो संगीत से संबंध हो, चाहे कला से संबंधित हो, उसको समाज में देने के लिए हमेशा अग्रणी रहा है LNJ। उसी क्रम में आज हम सब एकत्र हैं। देखिए, जहाँ पर भी जो समुदाय है, उस समुदाय विशेष के जो विशेष पर्व हैं उनको महत्व देना चाहिए और उन पर हम सबको संगठित होकर के उसका आनंद लेना चाहिए। न केवल बिहार समाज की बात है, अगर आज ये राजस्थानी पर्व भी कोई होता, सब पे बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते हैं। आज राजस्थान की फड़ पेंटिंग के जो कलाकार हैं, जब उनका सम्मान किया गया, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो सबसे पहले ये LNJ भिलवाड़ा ग्रुप ने आगे चल करके उनका सम्मान किया। तो इस तरीके से कला का सम्मान हर प्रांत के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए है LNJ ग्रुप के द्वारा।
जी, सबसे पहले तो हम लोगों को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज लोक आस्था का महापर्व, सबसे बड़ा महापर्व जिसको बोलते हैं छठ, छठ पर्व में हम लोग यहाँ भीलवाड़ा आए हैं। पहली बार आए हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर हमें रजनीश जी ने बुलवाया। इस वक्त हम लोग LNJ ग्रुप में दिवाली जी के ऑफिस में आए हुए हैं। जो भी सम्मान मिल रहा है, जितना प्यार मिल रहा है यहाँ भीलवाड़ा आकर, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आज का कार्यक्रम है छठ महापर्व का, तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि मोस्टली हर बार छठ में हम लोग बिहार जाते हैं या फिर उत्तर प्रदेश आते हैं, लेकिन राजस्थान आने का पहली बार आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि राजस्थान आके हम लोग छठ मनाएंगे, लेकिन यहाँ के जब दर्शकों की बात आती है, एक एक्टर के लिए तो हम लोग एक्टिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सम्मान हर एक इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। एंड आई लव दिस प्लेस। मुझे तो काफी अच्छा लगा, और LNJ ग्रुप में आज हम लोग तिवारी जी के साथ बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं रजनीश जी, उनके द्वारा हम लोग फर्स्ट टाइम भीलवाड़ा की धरती पे आए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वांचल समाज जिस तरह काफी वर्षों से यहाँ पर रह रही, और जो छठ पूजा का जो महापर्व हम लोग मनाते हैं, बिहार का जो संस्कृति हमारा है, जो परंपरा है, आज हम लोग वहाँ बिहार से इतने दूर उस परंपरा को यहाँ पे जो लोगों ने, पूर्वांचल समाज के लोगों ने जो जिंदा रखा है, उसको हम लोग रूप आज देखने वाले होते हैं। और निश्चित तौर पर एक अंदर में एक कला भी है, जिसे आप समाज के चौथा स्तंभ है प्रकाश जी, उसी तरह हम लोग भी समाज को एक अच्छे रूप से, एक अच्छे नजरिया से देखते हैं कि हम लोग जो हम लोग से बन पड़े हम लोग करते हैं। और इसी तौर पे यहाँ के पूर्वांचल समाज के लोग आज शाम का जो कार्यक्रम इन्होंने रखा है पूर्वांचल क्षेत्र मंच ने, तो मुझे लगता है कि सब लोग खुश रहेंगे आज के कार्यक्रम। गत कई वर्षों से जब से हम लोग पूर्वांचल जन चिन्ह समिति नाम की एक संस्था बनाए थे, पूर्वांचल के लोग जो यहाँ रहते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ के जो प्रवासी मजदूर रहते हैं, उनके परिवार के जो लोग रहते हैं, उनकी इंटरटेनमेंट के लिए, उनके संसाधन के लिए, उनको एक नया आयाम देने के लिए हम लोगों ने एक संस्था का गठन किया, और आज उस संस्था वट वृक्ष के रूप में बहुत बड़ा बन चुका है। और कई बड़े आयोजन हम कई गत वर्षों से लगातार उसी बैनर के तहत करा रहे हैं, और LNJ ग्रुप का सहयोग सदैव रहा है इसके लिए। इसका कारण यह है कि LNJ ग्रुप में भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लोग काम करते हैं, और हम इस संदेश को पूरे भीलवाड़ा को इसलिए देना चाहते हैं कि 350 फैक्ट्रियाँ हैं जिसके अंदर इन्हीं परिवार के लोग मौजूद हैं, और इनके लिए कोई ना कोई सोचेगा नहीं जब तक, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और सबको साथ लेके चलने से ही हम अपनी प्रगति कर सकते हैं। और ये जो कलाकारों का आने का सिलसिला है, ये हमने एक नया सिस्टम शुरू किया। इससे पहले भी हमने कई कलाकारों को बुलाकर यहाँ पर लाइव शोज कराए हैं, भोजपुरी और वहाँ के जितने भी कल्चर्स हैं जिसको ये लोग भूल जाते हैं यहाँ पे आके राजस्थान के अंदर, उसको एक बार दोबारा से याद कराने के बीच आए हैं। संजय यादव जी हैं, पूर्व विधायक हैं, और प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों हैं। उन्होंने भी करीब, उनके 9 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और उसी क्रम में जो है गुंजन पंजी आई हैं, 150 फिल्मों में काम की हैं, और उनके भी करीब 6 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के अंदर। ये लोग सब बहुत नामी कलाकार हैं, बट ये आज हमारे निवेदन के ऊपर भीलवाड़ा आए हैं। संयुक्ता राय जी हैं, कलकत्ता से रहने वाली हैं। अनारा गुप्ता जी मिस जम्मू रह चुकी हैं, वो भी अभी थोड़े देर में हमारे बीच आ जाएंगी। तो ये सारे कलाकारों को लाने के पीछे उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों को जो भोजपुरी का एक टच खत्म हो गया, उसको दोबारा से जीवित रखने के लिए साल में एक बार आयोजन होता है, भव्य होना चाहिए और लोगों को यादगार होना चाहिए। हर इंसान का सपना घर हो अपना, वो भी मात्र 21 लाख में। शहर के पास शांत वातावरण में उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है गोकुल धाम सोसाइटी। उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर डबोक में मकान ही मकान, और मकान की ये टाउनशिप जिसमें आप पाएंगे 1100 वर्ग फीट प्लॉट में 2 BHK रूम के साथ किचन और अटैच लेट बाथ, कार पार्किंग, बोरवेल, सभी सुविधाएं एक साथ आबादी के मध्य। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं गणेश चतुर्थी और नवरात्रि में मकान, और पाए खुद का आशियाना। पहले आए पहले पाए। हमारी मुख्य विशेषताएं, उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने, आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाओं के साथ प्लानिंग के नजदीक 40 फीट रोड पर मकान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोर्ट, डामरीकरण के साथ SDO कन्वर्ट मकान। हमारा ऑफिस का पता है
212 दूसरी मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स कृषि उपज मंडी मुख्य द्वार के सामने रेती स्टैंड उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748 9119272687। आपका विश्वास ही हमारी परंपरा। विनायक ज्वेलर्स लाए हैं आपके लिए एक सुनहरा अवसर। अब पाएं गोल्ड लोन से मुक्ति और पाएं अपनी ज्वेलरी का उचित मूल्य पूरी पारदर्शिता के साथ बिना किसी कटौती के। यदि आप बैंक में फाइनेंस में रखे गोल्ड को नहीं छुड़वा पा रहे हैं, आप अपना सोना नीलामी से बचाना चाहते हैं और यदि आप गोल्ड लोन का ब्याज नहीं भर पा रहे हैं तो आज ही संपर्क करें 8875848003 8949513656। विनायक ज्वेलर्स, सोने चांदी के जेवर। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सिंधी बाजार कॉर्नर, उदयपुर, राजस्थान।